तो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करते करते 2 महीने हो चुके हैं, आज एग्जैक्ट 2 महीने मैंने स्टार्ट किया था 72 kg पे, तो अभी देखते हैं मेरा करंट वेट कितना है, वो री वेट मशीन। ओके सर, ओके चलो मैम देखते आते हैं। What's up guys, स्वागत है आप लोगों का रोड टू अमेचर ओलंपिया के 11वें एपिसोड में। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, कॉफ़ी, मॉर्निंग कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं पहले बहुत कॉफ़ी पीता था बट अभी कम कर दिया, कोई बात नहीं, कंपटीशन है उसके लिए करना पड़ेगा। भू बहुत अच्छी बनाई है कॉफ़ी, बहुत मस्त है एज ऑलवेज एज ऑलवेज। हाँ एक स्कूप डाल दो इसमें प्रोटीन, हाँ ओट्स में डाल दो। हाँ अभी सुबह सुबह मैंने कोच को कॉल किया था, मैंने बोला सर क्या करना है आज, सर ने बोला करना क्या है आज हमारा सेशन है, तो मैंने बोला सेशन है तो अभी आया मैं, बस अभी मेरे को अपना टेस्ट कराना है थोड़े दिन में। मेरा टेस्ट होगा ब्लड का दोबारा से, जब वो मेरा क्लियर हो जाएगा तब मेरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। प्रैप तो मेरी चल रही है, पर देखो यार कितने सारे लोगों की मेहनत है। मैं तो यहाँ पर बैठ के खाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट कितना भी करा लो मेरे को कभी 1% भी ये नहीं लगता कि यार ज़्यादा हो गया, कितना भी करा लो। सोनिया देखो यार डेली खाना बना के देती है ताकि मेरी डाइट में कोई कमी ना रह जाए, कोच को देखो इतनी दूर से आते हैं ताकि मेरे सेशन में कमी ना रह जाए, मेरी वर्कआउट में कमी ना रह जाए, कॉल पर बताते हैं जो भी मेरे को क्वेरीज होती है। मम्मी हमेशा भाई कभी भी बोल दो कि मेरे को ये चाहिए खाने में, जब भी बना देगी, जब भी, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम। और आपको जल्दी ही ये देखने को मिलेगी। आज मेरे को प्रेप करते करते 2 महीने हो गया, 2 महीने पहले मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था और 1 महीने पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं अमेचर ओलंपिया में खेल रहा हूँ। तो मेरे को एग्जैक्टली 60 दिन हो गए हैं और मैंने स्टार्ट किया था 72 kg से, 72 किलो से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। आज हम देखने वाले हैं कि मेरा वेट कहाँ पर चला गया है। मैं पिछली बार देख के तो ऐसा हो गया था भाई साहब कमाल। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज फिर लेट हो जाऊं। Watch me dancing in the colors, lightning blowing up a thunder, watch it over me, yeah. We got everything we need right here. तो आज हमारा सर लैट्स करेंगे लोअर बैक और लैट्स करेंगे बढ़िया से ट्रेन। ये भाई प्री वर्कआउट एक नंबर है, मेरे को बहुत बढ़िया पंप आता है इससे। चले चलो वही चलते हैं आज। आज तो सर एकदम ऐसा वर्कआउट करा देना कि यहीं से एम्बुलेंस आ जाए नीचे, मैं ऐसा वर्कआउट करा देना तो देखा जाएगा बाकी। तो एक स्कूप EAA एसेंशियल अमाइनो एसिड डॉक्टर चॉइस का, वन ऑफ द बेस्ट EAA और इंडिया का पहला EAA इन्होंने लाया था, बेस्ट सेलर है। अगर आप बहुत तगड़ा वर्कआउट करते हो फिर कार्डियो भी करते हो, अगर आप मसल लॉस नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपके गेंस मैक्सिमम हो, तो आपको भाई EAA ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो भाई मैं ये कभी से लेता हूँ डॉक्टर चॉइस का EAA फॉर मसल रिकवरी, साइज गेन के लिए, मसल लॉस ना हो। तो भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना अगर आपको चाहिए बेस्ट रिजल्ट। चलो वो और ऊपर चलो, करते रहो, हाँ करते रहो, नीचे से पैर नहीं उठाना, और कोशिश करो। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे, जैसे ऊपर ले गए नीचे, अब हाथ सीधे करो, देखो कितना रिलैक्स कमर को। ये जो स्पाइन है ना इसके इस टाइप में, हमें क्या करना है इनको, जब ये स्ट्रेच होता है ना, जब हम ऊपर 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 कर रहे हैं, जब ये गैप बढ़ता है
तो वो जो भी डिफेक्ट्स हैं खुल जाते हैं। तो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करते करते 2 महीने हो चुके हैं, आज एग्जैक्ट 2 महीने। मैंने स्टार्ट किया था 72 kg पे, तो अभी देखते हैं मेरा करंट वेट कितना है। वो री वेट मशीन। ओके सर, ओके चलो मैम देखते आते हैं। और जब मैंने वेट नापा था तब भी मैंने यही चीज़ पहनी हुई थी, शूज़ पहने हुए थे और कपड़े, तो 1 किलो आप पेशा हटा लेना। यासी किलो वेट भाई, तो मेरा बड़ा है अप्रोक्सीमेटली 10 किलो 2 महीने में, और पिछले 1 महीने में मेरा 7 किलो के आसपास बढ़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 किलो बढ़ा था। एक महीने से बाइसेप्स ट्रेन भी नहीं किया और जब देखो कैसा पंप है। चले ऊपर से
इसको नहीं छोड़ेंगे अब की बार। We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. Chalo sir, aap late ho gaye bhai. Theek hai, okay. Bye sir. Bye sir. Kal rest sir. Bye. Kal rest. हाँ कल रहे ठीक है ओके ओके। परसों फिर देखें, 82 हो गया सर उस दिन, परसों 81 पॉइंट कुछ था, ठीक है 81.2 82 यार पूरा 82.2 हाँ आज बढ़ा हुआ है 82 कल और बढ़ जाएगा ओके सर परसों हाँ परसों ठीक है सर ओके बाय सर। भाई साहब मज़ा आ गया आज सेशन करके, मैंने तो बोल दिया था सर को कि सर एम्बुलेंस में जाना चाहिए, मैं ऐसा वर्कआउट करा दो, पर कोई नहीं एम्बुलेंस तो है नहीं भाई, ऐसे ही चले जाएंगे। चाबी निकालना लगू चाबी बैग तो निकाल दू। कल मैंने इतना ज़्यादा फीड कर दिया था बॉडी को, कल मेरा कार्डियो था, मैंने थोड़ी साइकिलिंग करी फिर एब्स करा, घर आया ना मैंने कल 2 बार चावल खाए, रोटी नहीं खाई, आलू खाया बहुत सारा, उसकी वीडियो बना दूंगा बल्किंग डाइट की। सोनिया ने भाई नाना कहते भी भाई पास्ता बनाई दिया, ये क्या खुद की सॉस बनाई है तुमने? ये रहा पास्ता, ये भाई आटे का पास्ता है, मैदे का मत खाया करो, जो लोग मैदे का खाते हैं वो फालतू में आपकी बॉडी में नुकसान ही देगा, तो ये बिल्कुल 100% आटा पास्ता है। लास्ट में दिखाओगे असली रिजल्ट? लास्ट में रिजल्ट नहीं दिखता क्योंकि ये वो वाला नहीं है ना, ऐसा जैसे रेस्टोरेंट में बनता है। अच्छा ये तो अपने सिंपल, बट तुम्हें खाना बहुत अच्छा बनाना आता है वो पता नहीं था? नहीं तुम इसलिए बोल रहे हो कि मैं ज्यादा ना बनवा लूं। तो भाई मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, पिछले एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास और उसमें से एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि इज़ इट बेटर टू स्ट्रेच बिफोर द वर्कआउट और वार्म अप। देखो भाई आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए, मैं और कोच डेली स्ट्रेचिंग करते हैं, जब भी हमारा कोई वर्कआउट सेशन होता है उससे पहले हम 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करते हैं। आप ये ना हो कि आप आधा घंटा खींच रहे हो अपनी स्ट्रेचिंग को, इतना आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और जब बात आती है वार्म अप की, जिस भी पार्ट का आप वर्कआउट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट वर्कआउट में आप वार्म अप के लिए क्या कर सकते हो, हल्के डंबल से चेस्ट प्रेस लगा सकते हो, चेस्ट फ्लाई लगा सकते हो ताकि आपको इंजरी ना हो। और ये ना हो कि आप आधा आधा घंटा वार्म अप कर रहे हो, वो आपकी कार्डियो हो जाएगी, उससे क्या होगा आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी, जिससे कि आपका जो वर्कआउट सेशन है वो उतना बढ़िया नहीं जाएगा जितना कि जाना चाहिए। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी एक इंसान के क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज मेरा रेस्ट डे है, मतलब आज मेरे को ना कोई वर्कआउट करना ना किसी तरह का कार्डियो करना, तो मैंने सोचा कि भाई चलो सोनिया को आज एक डेट पे लेके जाता हूँ। तो भाई कपड़े पहन लेता हूँ, सेक्सी सेक्सी कपड़े, तुम्हारा भाई एकदम फ्रेश लग रहा है, तो कपड़े पहन लेता हूँ भाई फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये मैं शर्ट लाया था अपने बर्थडे से पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हुआ होगा, 1 से 1.5 महीना, तब मेरे बाइसेप्स पे शर्ट बिल्कुल ठीक आती थी। अब भाई मेरे बाइसेप्स इतने बड़े हो गए हैं कि बिल्कुल ऐसे फटने को जाती है। अभी दिखाता हूँ भाई, 1.5 महीने पहले ली थी और मेरे बाइसेप्स से इतनी ज़्यादा फिट हो रही है, सेक्सी लग रही है, मज़ा आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ मेरा अगर 1 इंच और बाइसेप्स बढ़ गया तो ये शर्ट नहीं आएगी मेरे को। ये देखो मैंने बिल्कुल ढीले बाइसेप्स छोड़े हुए, अगर मैं हल्का सा भी फ्लेक्स करता हूँ तो ये शर्ट ऐसे बहुत टाइट हो जाती है। शर्ट बहुत सेक्सी है।
तो चलो भाई हम बाहर निकलते हैं, सोनिया रेडी हो चुकी है। ये है रोड टू अमेचर ओलंपिया का एपिसोड नंबर 11। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। टिल द नॉट पीस गेंस।